हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुन्नू जी क्रिएटर। मैं हूँ ओशी नदेजा, आपकी होस्ट और दोस्त। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे स्टिकर्स। जैसा कि आपको पता चल गया होगा टाइटल से, तो ये देखिए मैंने कुछ ड्राइंग्स ड्रॉ कर लिए। इसमें मिक्की माउस है, कार्टून लिखा है, बारबी लिखा हुआ है, देन BTS के भी है इसमें, जो सबकी बहुत फेमस है। एंड BTS मुझे बताइएगा कमेंट करके कि BTS आखिर होता क्या है, क्योंकि बिकॉज मुझे पता नहीं है, बट मैंने बहुत सुना है, इसीलिए मैंने स्टिकर्स BTS के भी बनाए हैं। एंड फ्रेंड्स, जो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए मैंने थोड़ी आउटलाइनिंग की है, थोड़ी लाइन दिख रही थी पेंसिल्स की, इसीलिए इरेज कर दिया। अब ना इसमें और सब मैं आउटलाइनिंग करना शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड, सारी आउटलाइनिंग हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। अब ना हम लोग पतले स्केच पेन से हम लोग अंदर की आउटलाइनिंग करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ, देखिए आइस बनाए मैंने, ये डॉलर वाली आइस। सो ऐसे करके मैं सब करूँगी अंदर की आउटलाइनिंग, जो पतले पेन से होगी। उसके बाद हम लोग कलर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं ना कलर कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सब में मैं कर रही हूँ। एंड अभी मैं येलो कलर कर लूँ सब में, उसके बाद आगे मैं और कलर करूँगी। सो ये वीडियो में जैसे मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, रियली बहुत टाइम लगता है करने में, बिकॉज मैं इतना लंबा आपको दिखा नहीं सकती थी, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। बट आप लोग भी जब करेंगे, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही सब बनाने में। तो फ्रेंड, सारे चीज़ों पे कलर हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सब BTS के स्टिकर्स भी कलर हो चुके हैं, मिक्की माउस भी कलर हो चुका है, एंड मुझे सबसे ज़्यादा मिक्की माउस ही पसंद आया इसमें। ओके, सो अब आगे हम लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम लोग टेप लगाएंगे सब पे। आप लोग जैसे देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ, तो इससे क्या होगा ना, स्टिकर में ग्लॉसी लुक आ जाता है। तो अब हम लोग सब में टेप लगाएंगे, तो देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ टेप। फ्रेंड्स, देखिए सब में टेप लग चुका है। अब इसकी जो एंड्स है, तो इसको मैं कट कर दे रही, जैसे एंड्स निकल रहे हैं जो टेप के, जैसे ये सब है, तो इसे मैं सबको कट कर देती हूँ। उसके बाद हम लोग स्टिकर्स को भी कट करेंगे। अब मैं देखिए एंड कट कर रही हूँ, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ओके, तो अब हम लोग स्टिकर को कट करते हैं, तो एक मैजिक मैं आपको दिखाती हूँ स्टिकर को कट करते समय। तो देखिए मेरा मैजिक, आप लोग फ्रेंड्स देखिए मेरे मैजिक से स्टिकर्स कट चुके हैं। तो अब ये ना जैसे अभी कटे हैं, तो अब हम लोग इसे एकदम अच्छे से कट करेंगे उनकी शेप में, जैसे कि मैं कर रही हूँ एक को कट, उनकी शेप में ही कट करेंगे। उसके बाद जब वो शेप में आ जाएगा, तब हम लोग बनाएंगे स्टिकर डायरी। अब हम लोग बनाते हैं स्टिकर बुक, और ये हमारे सारे स्टिकर्स हैं, इसमें BTS भी है। तो स्टिकर बुक बनाने के लिए पहले हम लोगों को ग्लिटर शीट चाहिए, और पहले हम लोगों को पेपर चाहिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ग्लिटर शीट चाहिए, जैसे कि आपको दिखा रही हूँ। तो इसे हाफ में कट कर लेंगे, एक एक ग्लिटर शीट को हाफ में कट कर लेंगे हम लोग।
डिपेंड्स, आप इसे जैसे देख सकते हैं आप लोग पेपर्स को रख के उसके बाद ग्लिटर शीट की शेप में कट करेंगे इसे। सो पहले मैं इसकी आउटलाइनिंग बना लेती हूँ कि कहाँ तक मुझे कट करना है, तो फिर मैं कट करती हूँ। देखिए मैं कट कर रही हूँ, ये ऐसे ही हम लोग सारी शीट को इस साइज का कट कर लेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि वो उसके पेजेस बन जाएंगे जो मन स्टिकर डायरी है। जब देखिए इसकी शीट्स कट गई है जो मैं आपको दिखा रही हूँ पेपर्स की, 1 2 3 4 5 6, तो 5 मैंने कट की है, सो उतनी आपको मैं दिखा दे रही हूँ। उसके बाद ना हम इन सब शीट पे अब हम लोग जो है वो टेप लगाएंगे। सो इसके इससे क्या होगा ना, जो स्टिकर होगा वो शीट्स पे अगर हम लोग लगाएंगे तो आराम से हम लोग उसे निकाल सकते हैं जब भी कोई चीज़ डेकोरेट करनी होगी। तो ठीक है, अब फटाफट हम लोग शीट्स लेते हैं और उस पे टेप लगाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट पुटिंग टेप ऑन पेपर। सो देखिए मैं लगा भी रही हूँ, ये देखिए आप लोग। ये वो सब में लगाएंगे हम लोग टेप। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैंने ना सब पे टेप भी लगा लिया है, तो अब ना हम इन सबको मिक्स करके स्टिकर डायरी बनाएंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो लेट्स मेक आर स्टिकर डायरी। तो फ्रेंड्स इन्हें मैं आपस में ज्वाइन कर रही हूँ इस वाली स्ट्रिप से जो हमें सिटी कार्ड या बिग बाज़ार में मिलती है जब हम लोग सामान लेने जाते हैं। तो मेरे पास इसका पूरा पैकेट पड़ा था, तो उसी की वजह से मैंने इसे ज्वाइन कर दिया जैसे देखिए, और अब मैं इन्हें कट कर दूँगी। तो ऐसे ही मैं ज्वाइन कर रही हूँ, दोनों एंड से ज्वाइन कर दूँगी, स्टार्टिंग से एंड एंड से। देखिए दूसरी जगह ज्वाइन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं एंड से ज्वाइन कर रही हूँ इसे कंपास के थ्रू। तो अब मैं इसे इसके अंदर ट्रिप डाल देती हूँ वो वाली, ये देखिए मैं आप ऐसे यहाँ से ज्वाइन कर रही हूँ। अब मैंने इस पे ज्वाइन कर दिया है। अब हम लोग फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे हम लोग डेकोरेट करते हैं अपनी स्टिकर बुक्स। तो लेट्स सी अ मैजिक। लेट्स स्टार्ट। देख गलती हो गई, यहाँ का जी निकल गया, बट कोई बात नहीं वो सही हो जाएगा। तो अब मेरे स्टिकर डायरी का टूर देखिए, ये देखिए फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज। ये देखिए मैंने एक बनाया था पेस्टल कलर से, देन फोर्थ, देन एक और पेज है फिफ्थ पेज, सिक्स पेज मैंने बनाया नहीं, मैंने सिर्फ फाइव एक पेज की बनाई थी। तो ये देखिए दो मैंने पेस्टल कलर से बनाए थे, कितने रियलिस्टिक लुक दे रहे हैं। सो देन आर डायरी इज ओवर। एंड ये देखिए इसका जी और सी निकल गया, वो मैं सही कर लूँगी। एंड तो आज का मेरा वीडियो यही था, मैंने आपको बताया कि आप बहुत इफेक्टिव ग्रुप में एक सुंदर सी डायरी कैसे बना सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ अपने कोई और वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गुन्नू जी क्रिएटर। बाय।